वेलकम बैक गाइज। आज की जो वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहेगी, ब्रदर हमारा बजट 1000-1500 और इसके अंदर हम TWS खरीदें या फिर नेक बैंड। सो अगर आप भी इसी तरह कंफ्यूज एंड जानना चाहते हैं कि 1000-2000 के अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, किसी भी पार्ट को स्किप मत करो एंड गाइज इन द एंड आपकी हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सो मैं पूरी वीडियो को कुछ पार्ट में बांट दूंगा एंड गाइज हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप अपनी नीड के बेस पर ही ईयरफोन खरीदे, ना कि जस्ट कूल बनने के लिए। और हाँ, साथ के साथ आपको बता दूं कि ये वीडियो जस्ट 2000 रुपए के अंदर आने वाली नेक बैंड एंड TWS के बारे में होने वाली है। सो अगर आपका बजट इससे ऊपर है तो आप TWS की तरफ जा सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ आप नेक बैंड यूज करते हैं या फिर TWS या फिर हेडफोन। तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो बिल्ड क्वालिटी के बारे में होगा एंड गाइज आपको बता दूं कि नेक बैंड की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा बेहतर होती है TWS की बजाय। 2000 रुपए के अंदर आने वाले TWS के अंदर ठीक ठाक क्वालिटी का ही प्लास्टिक यूज किया जाता है, जो कि इतना ड्यूरेबल नहीं होता जितने की नेक बैंड होते हैं। इनफैक्ट नेक बैंड के अंदर आपको मेटालिक ईयरबड्स मिलते हैं, जो कि इनकी बिल्ड क्वालिटी को और ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। और इसी के अंदर अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो TWS होते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी भी नेक बैंड की बजाय, क्योंकि इनका जो वेट होता है ज्यादा लाइट होता है नेक बैंड से एंड लाइट वेट होने के कारण ही ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो नेक बैंड के अंदर आपको काफी हद तक सिमिलर डिजाइन ही देखने को मिल जाता है, बट TWS के अंदर आपको यूनिक डिजाइन मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग के लिए TWS खरीदना चाहते हैं तो यूनिक गेमिंग डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाते हैं एंड गाइस इसी डिजाइन की वजह से इनको कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ये एक क्यूट सा कॉम्पैक्ट सा डिजाइन आता है जो काफी ज्यादा इंप्रेशन डालता है सामने वाले पर नेक बैंड की बजाय। जो अभी तक मैंने जो पॉइंट बताए हैं उनके अंदर ज्यादातर TWS ही जी मार लेते हैं, नेक बैंड पीछे रह जाते हैं, बट जो अभी मैं पॉइंट सामने रखने वाला हूं उनमें आपके हालात जज्बात सब कुछ बदलने वाला है यानी आपका अभी तक का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी ज्यादा दमदार पॉइंट है, जो कि है साउंड क्वालिटी के बारे में। सो साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो जो TWS है वो कोई खास टक्कर नहीं दे पाए हैं अभी तक नेक बैंड को। साउंड क्वालिटी के मामले में नेक बैंड काफी हद तक आगे हैं TWS से। इनके अंदर आपको जो बेस मिलता है वो काफी दमदार मिलता है, साथ ही साथ ट्रबल को अच्छे से मैनेज किया गया है एंड गाइज वोकल्स को काफी क्लियर किया गया है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि हाई वॉल्यूम पर भी म्यूजिक निखर कर सुनाई पड़ता है, जो कि TWS नहीं प्रोवाइड करा पाते। एंड इसी के अंदर गाइज अगर मैं इनके माइक क्वालिटी की बात करूं तो माइक क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है TWS की बजाय नेक बैंड का। एंड गाइज अगर आप रियलमी एंड ओप्पो की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है, जो TWS के अंदर 3,000-4,000-5,000 रुपए के अंदर जाकर मिलता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है बैटरी लाइफ का। एंड आपको बता दूं कि जो नेक बैंड होते हैं उनके अंदर जो बैटरी लाइफ होती है वो काफी दमदार बैटरी लाइफ होती है। इनफैक्ट मार्केट के अंदर आजकल ऐसे नेक बैंड आ चुके हैं जो आपको लगातार 60 आवर्स तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। और यहीं मैं TWS की बात करूं तो इनके अंदर जो बैटरी लाइफ मिलती है गाइस वो केस की अलग से मिलती है एंड बड्स की अलग से। एंड बड्स की जो बैटरी लाइफ है गाइस वो 4-3 आवर्स की मुश्किल से प्रोवाइड करवाते हैं एंड इनको फिर से चार्ज करना पड़ता है केस में डालकर, जो कि एक वियर्ड सा एक्सपीरियंस होता है जब आप मूवीज देख रहे होते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं या फिर ऑफिस का कोई काम कर रहे होते हैं या फिर मेरी तरह म्यूजिक को एंजॉय करते हुए एडिटिंग कर रहे होते हैं। सो इसी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो है कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी की बात करूं तो जो TWS की कनेक्टिविटी है गाइस वो काफी कमाल की है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे TWS आ चुके हैं जिनको अगर आप केस को ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी जो लास्ट पॉइंट आ चुका है वीडियो का कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है या फिर हमें किसकी तरफ जाना चाहिए या फिर मेरा ओपिनियन क्या है नेक बैंड को लेकर या TWS को लेकर। तो गाइज 2000-1500 या 1000 मैं आपको बता दूं कि मैं नेक बैंड को ही प्रेफर करने वाला हूं, क्योंकि ये कमाल की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, कमाल की साउंड क्वालिटी, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा बेस्ट होती है एंड साथ के साथ माइक क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक ऑफिस वर्क में काम करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग या कोडिंग करते हैं या मेरी तरह कंटेंट कंज्यूम करना पसंद
करते हैं या फिर सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो मैं नेक बैंड को ही सुजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको घंटों तक साथ देगी। यही जो TWS होते हैं गाइज, उनके अंदर आपको ये प्रॉब्लम मिलती है कि ये 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से चल पाते हैं, कई बार वियर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं आपको नेक बैंड ही प्रेफर करने वाला हूँ। यही दूसरी तरफ अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, ट्रेंडी फैशन को फॉलो करते हैं एंड गाइज एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन चाहते हैं, तो आप TWS की तरफ जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट हैं। इन द एंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बजट 2000 से ऊपर है तो आप TWS की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ मैं बेस्ट TWS एंड बेस्ट नेक बैंड के जो डिस्काउंटिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको आप खरीद सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गाइज कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। जय हिंद। We'll be right back.